चुनाव आयुक्त ईसी अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। शनिवार 9 मार्च को जारी गजट नोटिफिकेशन में इसके बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी बनने की कतार में थे, क्योंकि मौजूदा सीईसी राजीव कुमार फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं। गोयल ने 21 नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त का पद संभाला था। उनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2017 तक था। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक गोयल और सीईसी राजीव कुमार के बीच फाइल पर मतभेद है। हालांकि गोयल ने इस्तीफे के लिए निजी कारणों का हवाला दिया है। केंद्र ने उन्हें पद छोड़ने से रोकने की कोशिश की थी। गोयल की सेहत भी ठीक है, इसलिए खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफे की अटकलों को खारिज किया गया है। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में केवल सीईसी राजीव कुमार ही रह गए हैं। इससे पहले अनूप पांडे 15 फरवरी को चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हुए थे। पांडे के रिटायरमेंट के बाद से चुनाव आयोग में एक पद खाली था।